सुप्रभात, मैं शगुन स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। महाराष्ट्र के स्कूल में मौज मस्ती करने पर छात्र की बुरी तरह से पिटाई, लड़की आईसीयू में भर्ती, मामला दर्ज। महाराष्ट्र चुनाव 2024, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आरटीसी बस सड़क से फिसल कर 30 मीटर गहरी खाई में गिरी, 25 यात्री घायल, 5 की गंभीर हालत। बेंगलुरु, अक्टूबर में रिकॉर्ड 245 मिलीमीटर बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत। एससी से बायजू का बड़ा झटका, दिवालियापन की कार्यवाही रोकने का एनसीएलएटी का फैसला खारिज। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की। हरिद्वार जिले में 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में स्मैक और चरस बरामद। रुड़की की गौशाला में 19 गायों की मौत, हिंदू संगठन ने मचाया हंगामा, जांच की मांग। कैबिनेट के दौरान बिगड़ी मंत्री सुबोध उनियाल की तबीयत, बैठक छोड़कर पहुंचे अस्पताल। उत्तराखंड कैबिनेट की मिलन बस्तियों के अध्यक्ष को मंजूरी, कुल 30 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, देवप्रयाग में आर्मी का ट्रक पलटा, जवानों ने मौके पर ही तोड़ा दम। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।